Hey y'all, come look at this. Modi ji ne aapko 9 mahine ke andar do do vaccine bana kar ke di. क्या बोले मैं समझा नहीं। मोदी जी ने आपको 9 महीने के अंदर दो दो वैक्सीन बना करके दी। कोई सेंसेस बात कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां हिमाचल में चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैलियों के साथ प्रचार एवं भाषण कर रहे हैं। इस बीच बिलासपुर के वैहना जट्टा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्षियों पर भी निशाना साधा। लेकिन पीएम मोदी के गुणगान करते समय भाषण में उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने 9 महीने के अंदर वैक्सीन बना दी, तभी देश में कोरोना काल में जाने बचाई जा सकी। मोदी जी ने आपको 9 महीने के अंदर दो दो वैक्सीन बना करके दी। अब उनके इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स जेपी नड्डा के साथ मोदी पर भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में मोदी सरकार की आलोचना कितनी भी हुई हो, लेकिन समर्थक लगातार मौतों के आंकड़े, ऑक्सीजन की कमी और दवाओं के साथ बेड के अभाव वाली स्थिति को हमेशा से झुठलाते आए हैं। ठीक इसी तरह बीजेपी अध्यक्ष ने भी कोरोना परिस्थितियों में खुद की पीठ थपथपाते हुए हिमाचल की जनता को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 महीने के अंदर दो दो वैक्सीन बना दी, जो अब किसी सरकार के बस की बात नहीं है। अब ट्रोलर्स जेपी नड्डा की इसी बात को लेकर बीजेपी अध्यक्ष के साथ पीएम मोदी का भी मजाक बना रहे हैं। लोगों का कहना है, भारत ने वैक्सीन बनाई तो क्या इसे ये कहा जा सकता है कि इसे प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई? अगर हाँ तो क्या पीएम कोई बायोमेडिकल स्टूडेंट या साइंटिस्ट भी है क्या? और खास बात जिस पर ट्रोलर्स ने बारीकी से ध्यान दिया वो है 9 महीने वाली बात। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम ने 9 महीने के अंदर दो वैक्सीन बना दी। आपको बता दें, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लग चुका है। पहले उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 1951-52 में कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में ये कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। जबकि अगर आप तथ्यों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी का उद्गम ही 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ऐसे में 1951-52 में बीजेपी का कोई बयान कैसे एग्जिस्ट कर सकता है?